वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोएब और दोस्तों आज आपको जो बताने वाले हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे बहुत ही डिप्लोमेटिक यहाँ पे स्टूडेंट के मन में यहाँ पे डाउट है कि सर यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल तो ओपन हो गई लेकिन इतने सारे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लाइक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल आ रहा है, सिक्योरिटी पिन का एरर आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट पहले दिखाया जा रहा था वो अभी शो नहीं कर रहा है, हमारा मदर का नेम गलत हो गया, OTR में हमारे फादर का नेम गलत हो गया है, अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो नहीं आउट हुआ है, डिफरेंट टाइप के तमाम प्रकार के भर भर के यहाँ पे डाउट्स स्टूडेंट के मन में यहाँ पे हैं। होना भी चाहिए दोस्तों कि आखिर ये डाउट कैसे सॉल्व होंगे। अभी आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो लास्ट डेट है काफ़ी ज़्यादा करीब है, ऐसे में स्टूडेंट यहाँ पे मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न है और बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस चीज़ से कैसे यहाँ पे बाहर निकला जाए। इसी को चीज़ को देखते हुए दोस्तों ये वीडियो फुल्ली आपको डेडिकेटेड जाएगी। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, अभी क्या है और क्या लास्ट डेट बढ़ने के कितने परसेंटेज चांस है, ताकि आपको ये चीज़ें आभास हो जाए कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होता है तो आपके लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर होगी, जिसकी वजह से आप अपने एप्लीकेशन को अभी जो फ़िलहाल अभी नहीं कर पा रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो थोड़ा बहुत आपको टाइम मिल जाएगा, देन यू विल बी सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन। सो अभी फिलहाल के लिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी शिकायत आपसे ज़रूर रहती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सिर्फ और सिर्फ 5.8% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि 94.2% ऐसे हैं जो चैनल को तो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, बट चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों 5.8% वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कैटेगरी में आप जरूर आइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आई होप सो कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आप 1-to-1 कॉल के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की जो खबर है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, सबसे पहले मैं बता देता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे स्कीम ऑन NSP पे तो आप सीधे आ जाएंगे इस पेज पे। जैसे इस पेज पे आप लैंड करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद से आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, सबसे पहली चीज़ मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर रहे हैं सर BSc का लास्ट डेट क्या है, BSc हम BEd पढ़ रहे हैं, BEd का फॉर्म जो फिल किए हैं उसका लास्ट, इतने जेन्युइन उनको ये भी नहीं पता है कि फ्रेश क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है, एकदम पूरा दिमाग से एकदम फ्री कर दीजिए। हर एक स्टूडेंट को बताएंगे फ्रेश रिन्यूअल, हर एक स्कीम की लास्ट डेट बताएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रखिए। अभी जो देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट यहाँ पे है 31 अक्टूबर 2024, जो हमारे पोस्ट मैट्रिक वाले हैं और जो प्री मैट्रिक वाले हैं, किसी भी आप स्कीम पे क्लोज कर लीजिए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि प्री मैट्रिक की अगर बात करें यहाँ पे नीचे ही आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे 31 अगस्त 2024 यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना फास्ट यहाँ पे डेट यहाँ पे क्लोज होने वाली है, मतलब 8-9 दिन और आपके पास बचे हुए हैं। ये डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं इसकी भी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी देख पा रहे होंगे ये आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगा कि नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली बात आपको पता है कि जैसे कि मैंने इनिशियली आपको डिस्कस किया है, इतने प्रकार के तमाम प्रकार के ये स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लॉगिन का प्रॉब्लम, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड पहले ये आता था, अब बेचारा ये आ रहा, ये पहले आता था अब ये आ रहा है, आखिर में क्या करें, लास्ट डेट 31 अगस्त है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ लास्ट डेट प्री मैट्रिक, अब स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन क्या होगा, जो भी 9th 10th वाले स्टूडेंट है ना वो प्री मैट्रिक के कैटेगरी में आएंगे, इवन आप किसी भी कॉलेज के हो, किसी भी स्कीम में अप्लाई किए हो, NMS स्कीम या फिर कोई भी डिसेबिलिटीज स्कीम, अगर 9th 10th के स्टूडेंट हो ना तो आप प्री मैट्रिक में आओगे। और प्री मैट्रिक की लास्ट डेट आपको पता चल गया अभी फिलहाल इस वीडियो को जो बना रहा हूँ, अभी आप देख पा रहे होगे 9:22 अगस्त 19:07 हो रहा है, 31 अगस्त 2024 तक यहाँ पे लास्ट डेट है प्री मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक में मतलब 10 के बाद से जितने भी, यहाँ पे 11 की बात कर लीजिए, क्लास 12th की बात करिए, उसके बाद से जितने भी कोर्सेज BEd MEd BSc BTech MBBS जो भी कोर्स स्टूडेंट करता है, मतलब 11 से लेके और जो भी कोर्स आप पढ़ाई करते हो वो सारे पोस्ट मैट्रिक में आएंगे, जिनकी लास्ट डेट हमारी 31 अक्टूबर है। क्या दोस्तों इसके चांस है कि एक्सटेंड होने के लिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि दोस्तों लास्ट डेट जरूर एक्सटेंड होगी, क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट के आए हैं तो जरूरी है कि डेफिनेटली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से यह एक्शन लिया जाएगा कि लास्ट डेट विल बी एक्सटेंड। सो अब मैं कैसे ये इतने दावे के साथ कह सकता हूँ, दोस्तों आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2022-23 या 23-24 लास्ट डेट एक्सटेंडेड अगर YouTube पे सर्च करेंगे ना तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएगी, इवन मेरी भी मिलेगी, जहाँ पे मैंने कई दफ़ा बनाया कि लास्ट डेट विल बी एक्सटेंडेड, मतलब कि जितने साल का अगर ट्रेंड देखा जाए ना, हर साल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो लास्ट डेट है ना वो नवंबर दिसंबर के लास्ट तक जाती है।
आपके सामने जीता जागता एक प्रूफ मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अगर नीचे आओगे तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ये स्कीम अभी ओपन नहीं है, मतलब ये पिछला साल जो ओपन हुआ था ना 2022 में, तो अभी देख सकते हो 2022 का जो मेरिट कम यहाँ था 30/11/2022, मतलब 30 नवंबर यहाँ पे देख सकते हो 2022 का यहाँ पे देख पा रहोगे, सॉरी 30 नवंबर 2022, मतलब यहाँ पे दिसंबर के, मतलब मान सकते कि दिसंबर के स्टार्टिंग तक, मतलब लास्ट दिसंबर तक यहाँ पे इसका डेट था। तो इस वजह से आप भी कंफर्म हो सकते हो कि यहाँ पे जब यहाँ पे इनकी लास्ट डेट 30/11/2022 थी, तो कुल मिला के यहाँ पे डेफिनेटली एक ट्रेंड, आपको पता है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक ट्रेंड फॉलो करती है या कोई भी चीज़ है तो इस पैटर्न पे काम करती है। और जाहिर सी बात है कि इस बार इतने सारे डाउट आए हैं स्टूडेंट के, इतने सारे प्रॉब्लम आए हैं, और ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो सबसे घटिया साइड बना है ना, वेरी वर्थलेस साइड है ये, बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत गंदा साइड है, इतना गंदा कि पूछो मत। कभी वनाफाइट हटा दे रहा है, कभी कुछ भी, कभी कहीं एरर आ जा रहा, कभी लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है। हेल्प डेस्क पे आप ट्राई करिए, मेल करिए अपने मिनिस्ट्री को, बहुत सारे मिनिस्ट्री को मेल करने के बाद से वहाँ पे बताया जा रहा है कि बोनाफाइड इस साल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अभी मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, प्रूफ अगर मैं अप्रूव होता है और हमारे एंडिंग से अगर पता चलता है कि हाँ ये एग्जैक्टली रीज़न है, तो मैं आपको इस पे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे मेल किया था जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, धीरे धीरे मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल के लिए जो भी स्टूडेंट अभी परेशान थे कि लास्ट डेट क्या एक्सटेंड होगा, जी हाँ बिल्कुल एक्सटेंड होगा, मे बी कि नवंबर दिसंबर तक लास्ट डेट जाएगा। फिलहाल के लिए अभी का जो लास्ट डेट ना वो 31 अगस्त 9th-10th वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, और जो पोस्ट मैट्रिक है ना 11th-12th और जितने भी बी ए बी एस सी एम एम एस सी बी टेक एम बी बी एस एम बी ए पी एच डी जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो आपको पता चल गया कि दोस्तों लास्ट डेट डेफिनेटली विल बी एक्सटेंडेड, डोंट बी वरी। जो भी आपके इशूज़ आ रहे हैं ना, आप कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, जल्दीबाजी में आप फाइनल सबमिट मत करिएगा विदाउट डॉक्यूमेंट का। अगर ऐसा कुछ अप्रूवल आता है, अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है कि हाँ आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम बार बार आ रही है, आपको जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है वही अपलोड करना है, नहीं दिख रहा है फाइनल सबमिट करिए, अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है तो ज़रूर मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और इसी के साथ दोस्तों बिता लेते हैं इस वीडियो को एंड करने में। थैंक यू फॉर